किसको 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 करेंगे? कोई भी जो मैं बोलना है। रुक जाना रुक जाना, एक बाइट बाइट कौन बोल रहे? बोले बन, इधर आइजी जाए सामने यार, इधर घूम जाओ। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोशन भाई, रोशन भाई, जिंदाबाद। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रोशन, मैंने वो कैमरा कर लेते, एक दो तीन इनकी नहीं होगी। मैडम बोलेंगे एक अड़ी चुप है जो हमारे हक है, वो जो हमें वंचित किया गया है 16 पंचायत में, और इन मांगों को लेकर जो हम जो है सीएम साहब से बात करेंगे सिंह साहब की अध्यक्षता में। और जैसे कि हमारे लिए दूसरे का पैसा है वो अभी तक नहीं मिला, द्रारू का पैसा है वो नहीं मिला है, और आप सभी जानते हैं कि जो जब कहीं पर प्रोजेक्ट होता है उसमें प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक से जो है सारा जमीन जो हिल जाती है, जो हमारा पानी होता है वो पानी जो है सारा सूख जाता है और वो नदी नालों में बह करके निकल जाता है, और जो हमारे सोर्स है वो सारे सूख गए हैं, वो नदी नालों में बह चुके हैं। इसलिए हम सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि जो हमारा पानी की व्यवस्था की जाए, जो हमारा पानी जो डूब चुका है, किसानों की खेती के लिए जो समस्या आ रही है उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो आज हम सीएम साहब से आ रहे हैं। और आज से पहले दो सालों से पहले प्रशासन बार बार बुरा लगाते रहे हैं और हमारे आंदोलन चलते रहे हैं और इससे कोई सॉल्व नहीं हुआ है। इस बात की जो है आखिरी पड़ाव हमारा जो है आज सीएम साहब के पास है और यहाँ पर हम अपनी मांग पूरा करेंगे, और जो हमें आज वो हमें आश्वस्त करते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन जो है और भी जारी चलता रहेगा, प्रोजेक्ट के पास हमारा आंदोलन चलता रहेगा। पीछे 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 आ जाओ, पीछे पीछे यार, अंकल कहाँ आ गए गुस्से? लेकिन प्रशासन ने इनकी मांगों को सुना किया, आज मुख्यमंत्री आवास की है पूछ कर रहे और मुख्यमंत्री से ये मिले तो काफी तादाद में आज यहाँ पर जो लोग हैं, जो लूरी रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट है उससे प्रभावित लोग हैं, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो शिमला में उनका सरकारी आवास है ओकओवर वहां पर के लिए यहां पर जो धरना प्रदर्शन है वो यहां पर किया जा रहा है और नारेबाजी यहां पर की जा रही है, और काफी तादाद में महिलाओं के साथ जो पुरुष है वो भी यहां पर पहुंचे, और इनका साफ तौर से कहना है कि इन्होंने इससे पहले भी जो विज्ञापन है वो सौंपे है लेकिन इनकी जो मांगे है अभी तक यहां पर पूरी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो प्रदर्शन है काफी उग्र यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है और नारेबाजी यहां पर करते हुए जो प्रभावित लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया।